हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली रेडमी नोट 13 सीरीज का अगर आप वेट कर रहे थे तो वेट आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 21 सितंबर को ये चाइना में लॉन्च होने वाला है। रेडमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, इसके कुछ फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है जो आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और इस सीरीज में दोस्तों 3 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इनमें से एक स्मार्टफोन Redmi Note 13 Pro 5G के बारे में। इसके बारे में आपको सारा जानकारी देने वाला हूं आगे वीडियो में। इंडिया में किस प्राइस पे आएगा, कब तक आने वाला है, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब बात करते हैं नोट 13 प्रो 5G के बारे में। इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये ग्लास बॉडी के साथ आने वाला है, फ्लैट एजेज आपको देखने को मिलेगा, रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और सेंटर पंचुअल डिजाइन के साथ आएगा। सो डिजाइन में दोस्तों आपको थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। कैमरा के आउट साइड में आप देखेंगे आपको एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बम्प दिया गया है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। 7.98 mm की थिकनेस पे आने वाला है, 187 ग्राम का होगा ये स्मार्टफोन, तो काफ़ी लाइट वेट और स्लिम होने वाला है। बाकी आपको कैसा ये लगा डिज़ाइन दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, स्टूडियो स्पीकर के साथ आएगा, आईआर ब्लास्टर आपको मिल जाएगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो आपको कमाल का डिस्प्ले मिलने वाला है, 6.67 इंच का आपको 1.5K रेजुलेशन वाला आपको एक फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ आपको यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले दिए गए और छोटा सा आपको पंचोल सेंटर में देखने को मिलता है और बेजल्स दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ और बता दूं, जो इसका बड़ा भाई है Redmi Note 13 Pro Plus 5G, उसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो ये एक डिफरेंस होगा यहाँ पे। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है दोस्तों काफ़ी स्मूथ होगा। AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, और हो सकता है कि आपको फ्रंट साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाए। जी हाँ, क्योंकि इसका जो हाइयर वाला मॉडल है दोस्तों उसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि इसमें भी आपको सेम प्रोटेक्शन देखने को मिल जाए। सो ओवरऑल जो डिस्प्ले है दोस्तों Redmi Note 13 सीरीज में आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, प्राइमरी आपको 200 MP का मिलने वाला है, OIS का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, 8K अल्ट्रा 2 MP का मैक्रो या डेप्थ हो सकता है। और फ्रंट साइड में दोस्तों आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। सो ये सारे आपको कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको क्वालकॉम का सबसे नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ आने वाला है, और ये 4nm पे आता है तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। जी हाँ, क्वालकॉम का ये सबसे नया प्रोसेसर है जो आपको Redmi Note 13 Pro में देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों इसमें 4 कोर्स आपको कॉर्टेक्स A78 वाला मिलता है, 2.4 GHz पे क्लॉक किया गया है, और 4 कोर्स आपको कॉर्टेक्स A55 वाला मिलता है, 1.95 GHz पे क्लॉक किया गया है। और इसमें दोस्तों आपको GPU देखने को मिलेगा Adreno का 710, जहाँ पे आपको दोस्तों अप टू 16 GB आपको RAM देखने को मिलेगा और 1 TB तक का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों, तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 देखने को मिल सकता है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 5020 mAh का मिल सकता है, 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा, बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाएगा। और इसका जो हाइयर मॉडल है Redmi Note 13 Pro Plus 5G, उसमें आपको 120W चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कार्ट में लगा दूंगा, आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपको पता है चाइना में 21 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, तो इंडिया में आप मान के चल सकते हो कि अक्टूबर में या फिर नवंबर के मीड तक इंडिया में आ सकता है। प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन ये सारा स्पेक्स देखकर मुझे लगता है दोस्तों कि 25-26 हज़ार के आसपास में इसका प्राइस हो सकता है इंडिया में, क्योंकि आपको यहाँ पे हाईर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया, AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, फास्ट चार्जिंग दिया गया है, और क्वालकॉम का सबसे नया प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ आने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों इंडिया में किस प्राइस पे आ सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।